आदित्य ठाकरे भी काफी ज्यादा मुखर नजर आ रहे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं सुनिए। असल्या विकाऊ माणसां बरोबर जे स्टेज वर हिंदू का राजा बैठा है, हिम्मत हो तो आजा आणि काय शेरोशायरी करायचे, शिवसेने बद्दल करायचे, ओ खरी ताकत ही आमच्या शिवसैनिकांमध्ये, तुमच्या मध्ये कुठे आहे? परवाकडे माझे गाडीत बसलेले इथून हॉटेलला जाताना थरथरत होते, मला वाटलं मला घाबरून थरथर होते, नंतर कळलं कशाची भलत्याची वेळ झालेली म्हणून थरथरत होते, कारण हिम्मत असती जर हे वाद असते तर पळून गेलेच नसते। आज पण मी चॅलेंज दिलेला आहे तुमच्या समोर आणि तुमच्या साक्षीने चॅलेंज देत आहे की चला एक तर ज्यांना ज्यांना परत यायचं आहे, कारण मला माहिती हे 10-12 जे कुटीर आहेत ते आहेत, पण त्याच्यातून 15-16 असे आहेत जे अजूनही तिथे त्रासलेले आहेत, किडनॅप झाल्यासारखे आहेत। बरं ह्यांना काय वाटलेलं, पहिलं हे जातील एकदम शान मध्ये थाटात जातील जसं इथे वागायचे, आपण जशी वागणूक द्यायचो, सगळे जाऊन पाया पडतायत, सगळे जाऊन भेटतायत, सगळे जाऊन बोलतायत, तसं नाही झालं। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक देखिए, यहां पर आदित्य ठाकरे साफ तौर पर यह कहते हुए और चैलेंज करते हुए कि अगर ये शेर होते बागी विधायक तो यहां से मुंबई से भागते नहीं, गुवाहाटी में जाकर नहीं बैठते। उसके बाद हमने सुना जिस तरीके से संजय राउत ने लगातार आरोप लगाया कि अपने बाप का इस्तेमाल करिए, ये बहुत ज्यादा जुबानी जंग जो तेज हो गई है, और इस बीच बागी खेमे की ओर से भी कानूनी तौर पर जंग लड़ने की तैयारी की जा रही है। ये ए वर्सेस बी वर्सेस सी, क्योंकि एनसीपी भी इसमें शामिल है, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कब तक ये मामला सुलझ जाएगा? क्योंकि लग नहीं रहा है सियासी संकट जिस तरीके से मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक इसकी हलचल दिखाई दे रही है, क्या लग रहा है, क्या सुगबुगाहट है? देखिए दो चीजें हैं इसके अंदर, दो एक पॉलिटिकल फ्रंट पे लड़ाई लड़ी जा रही है, दूसरा कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। पॉलिटिकल फ्रंट की लड़ाई है कि जुबानी जंग जिस ढंग से शुरू हो गई है, कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने इमोशनल कार्ड खेला, वर्षा से मातोश्री चले गए और कहा कि वो उनके लिए मुख्यमंत्री पद कोई अहमियत नहीं रखता, अगर एकनाथ शिंदे को या कोई शिव सैनिक मुख्यमंत्री बनना चाहता उनको बहुत खुशी होगी, लेकिन आंखें बताएं तो सही बात तो करें। जब इमोशनल कार्ड भी काम नहीं आया तो उसके बाद सड़कों की लड़ाई शिवसेना ने शुरू कर दी, संजय राउत ने बात की, तलवारें चलने की, आग लगने की, ये तमाम चीजें सामने आई और बाप तक पहुंची ये लड़ाई। उसके बाद फिर शिंदे कैंप की तरफ से भी हमला किया गया, उन्होंने कहा कि हम शिव सैनिकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, शिवसेना को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, एनसीपी ने के चंगुल जो महागाड़ी है उसके चंगुल से निकालने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने आप को आज भी शिवसेना मानते हैं, बाला साहब की जो फिलोसफी है, जो हिंदुत्व है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और कल तो नवाब मलिक और दाऊद के रिश्तों की बात है कि हम ऐसे लोगों के साथ कैसे रह सकते हैं, उनके साथ किस कैसे रिश्ता रख सकते हैं। तो ये तमाम जो चुनावी कैंपेन में हमको दिखता है आरोप प्रत्यारोप ऐसी भाषाओं का, इस पूरे एपिसोड में तमाम चीजें दिखाई दी, लेकिन असली बात यह है कि लड़ाई कानूनी तौर से लड़ी जा रही है, पॉलिटिकल लड़ाई एक अपनी जगह है। कानूनी लड़ाई में आज जो चैलेंज किया गया एकनाथ शिंदे ग्रुप, जो दोनों ग्रुप एकनाथ शिंदे और उनके गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है, चाहे वो डिप्टी स्पीकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लेके आए थे उसको रिजेक्ट करने की बात हो, चाहे विधायक दल का नेता हटाने की बात हो, किसी और को बनाने की बात है, 16 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है उसको चैलेंज किया गया कि हमारे पास 2/3 है, वो कैसे डिस्क्वालिफाई करने का नोटिस दे सकते हैं, बल्कि उनको करना चाहिए। मेरे तीन सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए, अशोक सिंघल सीधे गुवाहाटी से हैं, मौसमी सिंह मुंबई से, पारस दामा फडणवीस के घर के बाहर से जुड़े हुए हैं। पारस दानवे साहब तो पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि सिर्फ 2 से 3 दिन ही वो विपक्ष में है, जो काम निपटाना है निपटा लीजिए, क्या है इस आत्मविश्वास की वजह? से पूरा महाराष्ट्र पॉलिटिक्स घूम रहा है, किसी के इर्द गिर्द तो दो लोग हैं, एक देवेंद्र फडणवीस हैं और एक है एकनाथ शिंदे। हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से मीटिंग्स हो रही हैं, किस तरीके से चीजें जो हैं वो चल रही हैं, देवेंद्र फडणवीस अपने घर पे लगातार मीटिंग्स करते हैं, देवेंद्र फडणवीस पहुंचते हैं बड़ौदा, बड़ौदा पहुंच के वो जो एकनाथ शिंदे के साथ मीटिंग करते हैं, यहां पर लगातार सागर बंगलों पर मीटिंग्स उनके एमएलए की चलती है, वरिष्ठ नेताओं की चलती है। ऐसे में ये स्टेटमेंट आना राव साहब दानवे की तरफ से कि हम सिर्फ 2-3 दिन हैं और उसके बाद जो है हम वापस कम बैक करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है जब चीजें जो हैं अब सही तरीके से टेबल पे पड़ने लगी हो, टेबल पे आ चुकी हो। तो अब हम ये कह सकते हैं जब एकनाथ राव साहब दानवे ये कह रहे हैं तो अब बहुत जल्दी हम बदलाव जो है वो देख सकते हैं। लगातार मीटिंग्स हो रही है, देवेंद्र फडणवीस वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2019 में भी हमने देखा कि गेम बदलने की कोशिश की थी, बट उस समय बहुत सारी चीजें जो है वो कॉम्प्लिकेट हो गई थी उनके लिए और
को जो है सरकार से हटना पड़ा था उस समय। बट अभी जो सिचुएशन अभी है महाराष्ट्र में उसको देखते हुए देवेंद्र फडणवीस सबसे महत्वपूर्ण किरदार जो है वो निभा रहे हैं और क्या किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी वो देखना बहुत बेहद जरूरी होगा। एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो लगातार कह रहे हैं कि उनके पास नंबर्स हैं और हम लगातार देख रहे हैं कि उनकी तरफ जो विधायक हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बागी और जो है गुवाहाटी कैंप ज्वाइन कर रहे हैं, लगातार जो है जा रहे हैं उदय सामंत जो शिवसेना के बेहद करीबी माने जाते हैं, उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्होंने गुवाहाटी जाके रेबल कैंप को ज्वाइन किया है, बागी कैंप को ज्वाइन किया है। तो बहुत बड़ा लौटूंगी आपके पास। डिप्टी स्पीकर के वकील क्या कुछ कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं। The political party and legislature party are two different aspects. According to them, no, it is not so, because both political for one cap for political party, another cap for legislature party will not be won by any legislator. Both are one and the same. It is only political party. Political party will only decide. Political party will only issue whip. Political party will only apply appoint the whip. That's all. Schedule fourth paragraph is a merger and the third paragraph was split and they are claiming split. Split is not there, already split is removed from the constitution. Merger is not, cannot be done. If they do merger automatically, they will be disqualified. मौसमी सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ी है। मौसमी देखिए, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, जिदा भी होगी, लेकिन इस बीच मुंबई पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि यहां पर सिर्फ शिवसैनिक ही नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे के जो सपोर्टर्स हैं वो भी सड़क पर बवाल कर चुके हैं। इसके मद्देनजर वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं कि आज दोबारा वो स्थिति ना हो? देखिए, आपने सुना नहीं है अभी डिप्टी स्पीकर के वकील साहब क्या कह रहे थे, और वो वही बात कह रहे थे जो आपको जमीन में जिसकी राजनीति नजर आ रही है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी और विधायक अलग अलग नहीं है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है। और अगर एंटी डिफेक्शन लॉ की बात हम कर रहे हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ तभी नहीं लागू होगा जब ये दोनों क्राइटेरिया पूरी होती है, यानी कि वो ये दिखा सकते हैं कि वो असल शिवसेना है या फिर किसी ग्रुप में मर्ज होते हैं। तो ये पॉइंट लगातार उद्धव कैंप और लगातार जो वकील है, डिप्टी स्पीकर के वकील है, वो ये पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे और उसकी राजनीति का असर आपको जमीन पर दिख रहा है। कुल्ला हो, पुणे हो या मुंबई के अलग अलग इलाके, शिवसैनिक सड़कों पर आए और जिस तरह से जो आपने देखा तोड़फोड़ मचाई, उसके बाद उसका रेपरकशन ये था कि एकनाथ शिंदे का कैंप ठाणे में एकदम से सक्रिय हो गया, उनके बेटे लगातार वहां मोर्चा संभाले हुए, खुद भी सांसद है और आज उन्होंने एक बड़ी बैठक बुलाई है। इधर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे ने युवाओं से मुलाकात की, उद्धव ठाकरे ने राष्ट्र कार्यकारिणी बुलाई। तो अब पार्टी को लेके, पार्टी सिंबल को लेके रस्साकशी शुरू हो गई है। सारा खेल अब इस बात का भी होगा कि आखिर धनुष और तीर किसके हाथ में रहता है और कौन निशाना साधता है इस एमवीए को है। जो है बर्खास्त या अलविदा कहने के लिए।